अरे दिल्ली दिल्ली नए साल पे कुछ मीठा तो होना ही चाहिए ना। मरकस वाले ने राधे राधे सभी को। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ गोंद के लड्डू, जो सर्दियों में सबके घरों में बनते ही हैं तकरीबन, और इस सर्दी में मैं पहली बार बना रही हूँ। तो आ जाओ आपको एक बार सामान दिखा देती हूँ मैं क्या क्या डालती हूँ। वैसे तो ये लड्डू ना कई तरीके से बनते हैं, लेकिन जो मुझे है ना मेरी जिठानी की मम्मी ने बताए थे जिस तरीके से, मुझे उनके हाथ के लड्डू ना बहुत पसंद आते थे। तो मैंने फिर एक बार उनसे पूछा था कि आप मुझे एक बार ही बताओ कैसे बनेंगे उस तरह से लड्डू। तो ये रेसिपी उन्हीं की है, तो मैं आज आपके साथ वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये वाले लड्डू, एक बार आप ट्राई करके देखना। तो मैं पहले आपको ना सामान दे लिया है मैंने आटा, ये लिए हैं मखाने, ये बूरा, ये देसी घी, और ड्राई फ्रूट में मैंने लिए हैं ये बादाम, और ये थोड़े से खरबूजे के बीज हैं, किशमिश है, काजू हैं, और ये थोड़ा कमरकस होता है, ये लेडीज़ के लिए अच्छा रहता है कमर दर्द वगैरह के लिए। और ये ली है मैंने गोंद, और अजवाइन, जीरा, सफ़ेद मिर्च, और ये सौंफ। और ये जो गोला है इसको मैं अभी घिस लूँगी। तो सबसे पहले मैं आटा भूनने के लिए रखूँगी, और उसके बाद साथ साथ मैं गोला ले ली है मैंने ये बड़ी कढ़ाई। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी आटा, आटे को मैं बिना घी के भूनूंगी और ये बाद में मिक्स करूंगी। अभी इसको ऐसे ही चलाते रहना है जब तक ये इसमें से आटे में से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तब तक मैं इसको गोले को घिस लेती हूँ। बीच बीच में मैं आटा भी चलाती रहूंगी ताकि ये जल ना जाए। देखो बात ऐसी है, कल है न्यू ईयर, मैं आज बना रही हूँ गोंद के लड्डू। कुछ मीठा तो होना ही चाहिए ना। गोला कस गया है, और अभी ये मखाने और ये सब ड्राई फ्रूट्स अभी ये बाद में तलूंगी, अभी पहले ना आटा भून रहा है। कल न्यू ईयर है, कहीं घुमाने लेके चलोगे? कहाँ जाना है आपको? कहीं भी, मतलब छोटा मोटा यहाँ वहाँ जाना है। तो फिर सोचा भी होगा कि कहाँ जाना है? नहीं ऐसे नहीं मैंने सोचा, नहीं थे। अरे दिल्ली दिल्ली में ही, यहीं आसपास ही घुमा देना। आसपास में ठीक है, सोचिए मत। मतलब एक तारीख के बाद, उसके बाद सोचियो कहाँ जाना है। तो एक तारीख तो कल है ही। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, उसके बाद सोचियो कल के बाद। तो पूछ तो बड़े उससे रहे हो कहाँ चलना है क्या है। तुमने सोचा भी नहीं ना, तुम कभी सोचूंगी तो परसों। वो तो मैं अभी सोच के बता दूंगी तुम्हारे को। ना ना ना, परसों तक तो सोचे ना, तो देखते हैं ठीक है। ना जाने के बहाने हैं तुम्हारे। मैं अभी कोई इतनी वेली नहीं हूँ घूमने जाने के लिए, मैं और किसी के साथ भी जा सकती हूँ। आटा भुन चुका है और इसमें से ना अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। देखो एकदम ये ना वाइट था और एकदम ब्राउन से कलर का हो गया ये। तो अब मैं इसकी गैस कर दूंगी बंद, और अब मैं डालूंगी घी। इसके घी के अंदर मुझे ड्राई फ्रूट वगैरह तलने हैं। Thank you.
लड्डू तो बन गए हैं मेरे और इतना मेरे पास अभी और बचा हुआ है। तो इसके अंदर मैं डालूंगी कमरकस, ये होता है कमरकस और ये कमर दर्द वगैरह के लिए ना बहुत अच्छा होता है लेडीज के लिए। थोड़े से लड्डू मैं ये कमरकस वाले बनाऊंगी क्योंकि बाकी सबको शायद ये ना पसंद आए, इसलिए मैंने आधा आधा कर लिया है इनको। ये कमरकस वाले लड्डू मेरे बन के तैयार हो चुके हैं। अब सुबह इनको देखेंगे ठंडे हो जाएंगे, तब तक अभी गरम गरम थे मैंने बांध दिए हैं।